हाँ तो दोस्तों, ये हम कजन्स हैं। ये है अली अकबर, ये मोहम्मद वजीर, रियासत, तसीफ अहमद और अनीब भाई। ये हम इस वक्त रेडी है, जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। मौसम बड़ा खुशगवार है, आप देख सकते हैं। अबे हमें अपने मंजिल का नहीं पता हमने कहाँ जाना है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आप हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त हम रक्षा पे ड्राइव कर रहे हैं। अभी अभी ज्वाइन किए सैयद अकबर ने, और ये हमारे साथ बैक पे देख रहे दोस्त। और हम आगे अभी रवा दवा है, लेकिन अभी हमें अपने टारगेट का कोई पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है, लेकिन जाना है। यहाँ पे एक जगह पे हम ठहरे हैं, और यहाँ पे बड़ा ही अच्छा पानी का चश्मा है। तो सारे यहाँ पानी पी रहे हैं। और ये कुदरती वाटर आपको इन इलाकों में मिलेगा, अदरवाइज सिटी एरियाज में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। आज अभी तक हमने डिसाइड तो नहीं किया कि किधर जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम दरबंद रोड पे, और दरबंद जाने के लिए ये मेन रोड है, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो पुल है आगे एक जगह पे, वो रात की शदीद बारिशों की वजह से टूट चुका है। और अभी हम इस रोड पे राइट टर्न ले रहे हैं। देखें, तमाम मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ इस रोड की तरफ टर्न ले रही हैं, और ये निका पानी रोड है। ये आगे जाके निका पानी और फिर तुरघर की तरफ जाता है, जहाँ से कंडर, जुदवा और एक रोड फिर दरबंद को जाता है। वहाँ से आगे वो मुकाम भी आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे सड़क जो है उसकी हालत देख सकते हैं आप। यहाँ पे हमारे जो रक्षस हैं, क्योंकि हम रक्षा में आए हैं, तो यहाँ से इनका गुजरना बहुत मुश्किल है, खतरनाक है, क्योंकि रात कुछ रास्ता है जो बहुत खतरनाक है, और हमें यहाँ से पैदल आना पड़ रहा है। हाँ जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं निका पानी। रुके जी, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा, और इस व्यू को जरा कैप्चर करते हैं। ये देख सकते हैं, ये रात को बारिश हुई और इस बारिश की वजह से ये बहुत ज़्यादा पानी, अदरवाइज ये छोटी सी एक नहर है, लेकिन अभी ये दरिया बन चुकी है। ये देखें, ये वो पुल है का पानी का जिसपे खड़े हैं। Thank you.
इस वक्त हम तुरघर में हैं और ये कंडर का इलाका है और ये आप खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी मंजिल का तयन नहीं है, तो रास्ते में ये मशरा हुआ था कि हम जाएंगे कंडर, तो ये कंडर आप देख सकते हैं। रोड भी अब अच्छा हो गया है और व्यू भी है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। ये रिसेंटली 10-15-20 साल पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी हद तक यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क हो चुके हैं। यहाँ पे रोड भी अच्छा हो रहा है और कोर्ट्स भी हैं यहाँ पे और मेडिकल की बेसिक फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी और ये ग्रेजुअली ये डिवेल्प करेगा। बहुत खूबसूरत इलाका है ये, ज़िला तुरघर, तहसील कंडर। हाँ तो दोस्तों, ये है मेरा पाकिस्तान इस वक्त। ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत सीन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की जानब से ऐसे खूबसूरत इलाकों में किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही। अदरवाइज़ में अगर यहाँ पे होटल होते, पार्क्स होती और हर किस्म की सहूलियात लोगों को दी जाती तो टूरिज़म के हवाले से दूर दूर से लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, बहुत से दिन गुजार सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टूरिज़म के हवाले से हमारे मुल्क में सोच ही डेवलप नहीं हुई। ये हमारी कश्ती है, हम आगे जा रहे हैं इस पानी के अंदर। ये हमारे एक दोस्त हैं, ये सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, तो चलते हैं आगे जी।
ब्लेड आलो ब्लेड खाली इधर आलो ब्लेड आलो दे तेरे से अभी बैठो है तेरे से अभी ऐसे मकाम पे खाना खाने का प्रेम बता हाथ सड़ गया हाथ सड़ गया हाथ सड़ गया Come on, baby.